कट ऑफ भी हो गया, ये देखिए ये बंद हो गया यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज इसके 0-0 हो गया। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक बाल्टी के अंदर गीजर, पानी गर्म करने का गीजर। मतलब कि आप बाल्टी में पानी डालेंगे और आप पानी गर्म कर सके। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो ये है मेरे पास में एक एलिमेंट रॉड, इससे हम लगाने वाले हैं इस बाल्टी में यहाँ पे नीचे की तरफ एक छेद करके, और इसमें छेद करने के बाद में जब ये हम ये एलिमेंट रॉड लगाएंगे तो आप इसमें पानी भरेंगे तो आपका पानी आराम से गर्म हो जाएगा। मतलब कि आपको वो टेंशन नहीं रहेगी कि पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया आप जल्दी से जाके रॉड बंद कर दे, ऐसा नहीं। पानी गर्म हो जाएगा ऑटोमेटिक आपका जो है ये एलिमेंट रॉड बंद हो जाएगा। वो कैसे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो वीडियो को पूरा देखिए, अगर आप भी इन सर्दियों में अपने लिए पानी गर्म करने के लिए कुछ गीजर वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो भी सस्ते में मस्त और काम होगा बिल्कुल जबरदस्त। ये तो बढ़िया लाइन बन गई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं हमारे टेबल के ऊपर, और यहाँ पे आपको जो भी चीज मैं कर रहा हूँ ना वो ध्यान से देखना है। तो ये है हमारी ये बाल्टी, और ये ऐसी वैसी बाल्टी नहीं है, ये जो नॉर्मल हम 200-250 रुपए की जो मार्केट से खरीद के लाते हैं वो वाली बाल्टी नहीं है। ये पेंट की बाल्टी जो होती है ना, मोटी वाली, बिल्कुल हैवी वाली, जो की बिल्कुल वजनदार होती है और इतनी मोटी होती है अगर आप उस पर चढ़ भी जाओ तो भी ये फूटती नहीं है। तो ये वो वाली बाल्टी है। तो आपको उस बाल्टी के अंदर ही आप गीजर बना सकते हैं, मतलब कि ये वाली एलिमेंट रॉड उसी बाल्टी में लगा सकते हैं जो कि पेंट की बाल्टी होती है, या सबसे हैवी बाल्टी जो कि आपकी 1000-1200 रुपए तक आती है। तो समझ में आ गया अब हमें क्या करना है। तो ये है हमारे पास में एक एलिमेंट रॉड, ये है 2 kW का एलिमेंट रॉड। इससे हमें क्या करना है, ये देखिए कुछ ये इस तरह का एलिमेंट रॉड है जो कि आपके सोलर पैनल वगैरह में लग जाता है, और आपके जो खाना गर्म करने वाले जो बॉयलर आते हैं पानी वाले जिसमें पानी डलता है और उसमें इस तरह का एलिमेंट रॉड लगा हुआ होता है, बड़ा सा स्टील का होता है, आपने शादी ब्याह में देखा होगा, तो उसमें भी ये रॉड लगता है। तो ये इस तरह का हमें रॉड लेना है। ये कैप यहाँ से अलग हो जाती है और यहाँ पे लगा हुआ है ये थर्मोस्टेट। अगर टेम्परेचर ज्यादा आता है या पानी ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये थर्मोस्टेट ऑटोमेटिक इसे बंद कर देगा। और ये देखिए इसमें हमें यहाँ पे 4 पॉइंट मिल जाते हैं, देखिए यहाँ पे हमें इसमें 4 पॉइंट मिलते हैं। तो इसमें 2 रॉड है, एक ये वाली रॉड और एक ये वाली रॉड, देख रहे हो ये जो राउंड अप बना हुआ है यहाँ से यूं राउंड होके आ रही है। तो ये पॉइंट एक है, ये एक पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। तो इन दोनों को हमें पैरेलल में जोड़ना है, सीरीज में नहीं जोड़ना है, पैरेलल में। मतलब कि इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे आपस में जोड़ लेना है और इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ लेना है और न्यूट्रल फेस लगा के हमें बाहर निकाल लेना है। लेकिन हमें डायरेक्ट न्यूट्रल फेस नहीं लगाना है, थर्मोस्टेट की वायर हमें यहाँ पे लगानी है। तो कनेक्शन कैसे होंगे वो आप ध्यान से देखिए। इसे हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर देखिए यहाँ पे एक वॉशर और पेच लगा हुआ होता है, इसे आप निकाल सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे एक वॉशर है रबड़ का, इसे आपको नहीं निकालना है, इसे लगे रहने देना है। और यहाँ पे हम छेद करने वाले हैं, ये बाल्टी का जो पकड़ने वाला ये वाला हिस्सा है ना, इसके लाइन में हम यहाँ पे छेद करने वाले साइड में, ताकि जब भी हम बाल्टी रखे तो ये वाला हिस्सा हमेशा साइड में रहे। क्योंकि हम जब इस तरह से बाल्टी उठाते हैं तो हम ऐसे रखते हैं या तो ऐसे रखते हैं, तो ये वाला हिस्सा जब भी हम रखें ये साइड में रहेगा, सामने की तरफ निकलता हुआ नहीं रहेगा, इसलिए मैं यहाँ लगाऊंगा। आप लोगों को जैसे लगाना है आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसे यहाँ पे लगाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे छेद करना होगा। तो मेरे पास में है ये गोल छेद करने की बिट, जो कि मैं यहाँ पे कर दूंगा इस ड्रिल की मदद से। ये हो गया, ध्यान रहे कि नीचे से कम 2 इंच ऊपर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे करूंगा छेद, ये हो चुका है यहाँ पे छेद, ये देखिए ये प्लास्टिक यहाँ से गोल निकल गया। तो ये हो चुका है हमारे यहाँ पे छेद। अब ये वाली रॉड को हमें यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है, और ध्यान रहे कि इसे इतना टाइट बंद करना है कि प्लास्टिक से प्लास्टिक आराम से चिपक जाए। तो इसके साथ में जो जो वॉशर आते हैं वो सारे आपको वॉशर लगा लेने हैं, जैसे कि ये एक वॉशर आया है और ये रबड़ वाला वॉशर आया है। तो ये हम इधर बाहर की तरफ से रहने देंगे और अंदर की तरफ से ये वाला वॉशर लगा के हम इसे कस देंगे। इसे कसने के लिए मैं ये सिरिंज पानी का इस्तेमाल करूंगा। तो ये कस गया है, और आप जब कसेंगे तो ये जो यहाँ पे रबड़ लगा हुआ है, ये देखिए ये रबड़ लगा हुआ है, ये रबड़ थोड़ा सा पिचक जाएगा, इसका मतलब समझ जाइए कि ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से कस चुका है। अब आप इसमें पानी डालेंगे तो भी लीकेज नहीं होगा। अब इसके बाद में हमें करने हैं इसके कनेक्शन। इसके कनेक्शन करना बिल्कुल सिंपल है, आपको इसको कनेक्शन करने के लिए इस तरह से एक लीड वाली वायर ले लेनी है। अगर आपको लीड वाली वायर नहीं मिलती है तो आप कोई भी वायर ले सकते हैं, 2 mm से लेकर 2.5 mm की वायर, और मेरे पास में अभी फिलहाल छोटी है, मैं आपको छोटी लगा के दिखा रहा हूँ, मैं बाद में इसमें बड़ी लगा लूंगा, क्योंकि ये वायर
एक फ्रिज की निकली हुई है, डबल डोर फ्रिज की, तो वही मैं आपको लगा के इसे चालू करके पानी गर्म करके दिखाने वाला हूँ। तो ये वाली वायर का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, आप कम से कम 2 से 2.5 mm की वायर का इस्तेमाल करना। तो चलो मैं इसके कनेक्शन करता हूँ। ये मेरे पास में वायर का टुकड़ा है, ये वायर का टुकड़ा मुझे थोड़ा सा काट के लेना है ताकि मैं इससे एक कनेक्शन इसमें दे सकूं। तो सबसे पहले मैं इसे छील लेता हूँ, अच्छी खासी लंबी वायर जो कि एक दूसरे को ज्वाइंट कर सके। हमें इन दोनों को और इन दोनों को ज्वाइंट करना है। ये मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, अब इसे मैं यहाँ से इतना काट लेता हूँ और ये वायर के टुकड़े का काम हमारा ख़त्म हो गया। अब यहाँ से इसे थोड़ा सा छील लेते हैं और इसके बाद इसे मैं यहाँ पे हल्का सा इस तरह से मोड़ के एक वायर को मैं इसके अंदर डालूँगा। आप कोई भी वायर को कहीं से भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ से इसे डाल लेता हूँ। ये मैंने लगा लिया। अब इसके बाद में मुझे ये वाली वायर लगानी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये वाला जो कैप है ऊपर वाला, इसके अंदर मैं इसे ऐसे डाल दूंगा। ये देखिए, ये निकल गई इसमें से। उसके बाद ये वाली जो लाल वाली वायर है, मैं इस थर्मोस्टेट में लगा लूंगा। ये मैंने इसमें लगा ली। और ये जो ब्लैक वाली वायर है, मैं इसे इस दूसरे वाले पॉइंट पे यहाँ पे लगा लूंगा। लेकिन मेरी ब्लैक वाली वायर थोड़ी पतली है, इसलिए मैं इस वाली वायर का टुकड़ा लूंगा और उसके बाद इस ब्लैक वाली वायर को मैं काट के इसमें लगा दूंगा। तो ये हमने यहाँ लगा दी। अब उसके बाद में ये जो अर्थिंग की वायर है पीले कलर की, इसे मैं यहाँ से काट लेता हूँ और इसे मैं इसकी ये जो बॉडी है, ये वाली देखिए, ये रॉड निकल रही है, इसकी बॉडी पे मैं यहाँ पे लपेट देता हूँ इसको। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दी। इससे क्या होगा कि अगर आपके घर में अर्थिंग है, ग्राउंड वाली अर्थिंग, तो आपको इसमें करंट या झंझनाहट नहीं आएगी अगर आप गलती से नंगे पांव हाथ लगा लेते या पानी में हाथ डाल देते। वैसे तो देखिए, गीजर में भी करंट नहीं आता जब आप गीजर में पानी गर्म करते और डायरेक्ट नल चालू करते, तो उसमें भी करंट नहीं आता क्योंकि उसमें भी इसी तरह की एलिमेंट रॉड रहती है। तो इस तरह की कोई घबराने वाली चीज नहीं है। आप आराम से पानी गर्म करिए, पानी गर्म होने के बाद में इसे बंद करिए और आराम से पानी को इस्तेमाल करिए दूसरे बाल्टी में। तो चलिए, ये हो गया मेरा काम। अब मैं इसे यहाँ पे लगा लेता हूँ। पहले इस वायर को मैंने लगा रखा है, इसे काट देता हूँ क्योंकि ये वाली वायर हमारे किसी काम की नहीं। अब इसे मैं यहाँ पे आराम से लगा देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद आपको ये कैप यहाँ पे लगा लेनी है। तो अब ये हमारा गीजर बिल्कुल तैयार है। अब मैं डालता हूँ इसमें पानी और आपको बताता हूँ अब इसका पानी गर्म होता है या नहीं होता। ये यहाँ पे हमारा बाथरूम है, मैं यहाँ से इसे पानी लगाता हूँ और ध्यान रहे कि इसका पानी पूरा भरना चाहिए, इस रॉड से ऊपर आना चाहिए। तो चलो, तो ये भर गया पानी, इसे उठा के लाता हूँ बाहर। तो ये देखिए, मैंने टेबल के ऊपर रखा है और यहाँ से देखिए कहीं से भी पानी जो है लीकेज नहीं हो रहा है। कहीं से भी आप देख सकते हैं पानी कहीं से भी जो है लीकेज नहीं हो रहा है और हमने पानी जो है पूरा आधी बाल्टी भरा हुआ है। तो मैं इसे यहाँ पे लगा लेता हूँ और इसे चालू कर देता हूँ। तो ये चालू हो गया। अब आप यहाँ पे वोल्टेज देख सकते हो, 1800 से ऊपर है। कम ज़्यादा होता है क्योंकि हमारे घर के वोल्टेज अगर कम ज़्यादा होंगे, ये हमारे घर का वोल्टेज है 224 के आसपास, इस वजह से ये रॉड के वोल्टेज भी कम आएंगे। अगर 230-240 होगा तो यहाँ पे भी 2000 वोल्टेज आ जाएंगे। और एम्पियर देखिए, 8.37 एम्पियर ले रहा है। तो ये है वोल्टेज और देखते हैं पानी गर्म हो रहा है कि नहीं। ये देखिए, पानी जो है गर्म होना चालू हो चुका है। देख रहे हैं आप किस तरह से बबल निकल रहे हैं इसमें। तो चलो पानी में चेक करते हैं कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखिए, पानी में बिल्कुल करंट नहीं है। ये देखिए, मैं इसमें हाथ भी लगा सकता हूँ। तो पानी में बिल्कुल करंट नहीं है और देखिए पानी गर्म हो रहा है और हमारी रॉड जो है लगी हुई है, तब भी इसमें करंट नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपके घर में यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे ग्राउंड है तो ही आप इसमें हाथ डाल सकते हैं, आपको करंट नहीं लगेगा। अगर आपके घर में इस तीसरे पॉइंट पे अर्थिंग नहीं है, ग्राउंड अर्थिंग, तो आपको इसमें करंट लग सकता है, झंझनाहट हो सकती है। हाँ, अगर आपने इस तरह से चप्पल पहन रखी है पाँव में, प्लास्टिक की चप्पल, तो आपको करंट नहीं लगेगा। और देखिए पानी गर्म हो भी गया है, लगभग पानी गर्म हो गया, जितना हमें नहाना है ना उतना पानी हो चुका है गर्म। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप इस तरह से गीजर बनाते हैं तो आपको स्विच बंद करके पानी डालना है दूसरे बाल्टी में, फिर दोबारा पानी गर्म करने के लिए आप इसमें पानी डालेंगे, उसी के बाद में आपको वहां से स्विच चालू करना है। जैसे कि हम नॉर्मल जो गीजर इस्तेमाल करते हैं ना, रॉड वाला गीजर, सेम वैसे ही चालू करना है। लेकिन इसमें आपको सेफ्टी बहुत ज्यादा मिलेगी। अब आप सोच रहे सेफ्टी क्या है इसके अंदर। सेफ्टी ये है, अगर पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा ना इसके अंदर, तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इसके अंदर हमने थर्मोस्टेट लगा रखा है ताकि पानी ज्यादा गर्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाए। और थर्मोस्टेट के ऊपर टेम्परेचर है। नॉर्मल जो गीजर के थर्मोस्टेट का टेम्परेचर होता है 75 डिग्री वाला होता है। अगर आप उसे कम करना चाहते हो 50 या 45 के आसपास, तो आप 50-45 करेंगे तो जितना पानी 50-45 डिग्री तक गर्म हो जाएगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा।
तो ये देखिए हमारा पानी जो है गर्म हो चुका है और बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। अब इसमें ठंडा पानी मिला के नहाना पड़ेगा, इतना ज्यादा गर्म हो चुका है। तो चलिए अभी मैं और थोड़ी देर इंतजार करता हूँ और देखते हैं कि ये कट ऑफ होता है या नहीं होता है। तो ये देखिए ये मैंने इसे जीरो कर दिया है। अब हमारा जो टाइम हो रहा है 4:18 और यहाँ पे देखिए जो रीडिंग है बिल्कुल जीरो है। तो देखिए पानी जो है ये देखिए उबलने लग गया, अब तो बिल्कुल उबलने लग गया। और ये देखिए 4:43 हो चुके हैं और रीडिंग देखो अभी 16 आई है। अगर ये 5 भी आप इसे चलाते हैं तब भी पूरी एक रीडिंग नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पे 99 होंगे ना तभी इधर एक रीडिंग आएगी। और पानी उबलने वाला, बिल्कुल उबलने वाला है। मेरे ख्याल से टाइम लगेगा इसे कट ऑफ होने में, तो हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं। तो ये इतना यूजफुल है और इतना फायदेमंद है कि आप इसे कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने साथ में कैरी करके कहीं ले जाना हो इसे साथ में तो कहीं पे भी ले जाके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट की मैं लिंक नीचे दे दूंगा, अगर आपके आसपास शहर में नहीं मिलता है तो आप इसे अमेजोन से खरीद सकते हैं। तो देखिए बातों ही बातों में ये कट ऑफ भी हो गया, ये देखिए ये बंद हो गया यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज इसके 0-0 हो गए, एम्पेयर भी 0-0 हो गए, स्विच ऑन है और ये देखिए वायर लगी भी है और ये कट ऑफ हो गया। मतलब कि 75 पे पानी गर्म होने के बाद में ये ऑटोमेटिक कट ऑफ हो गया है। ये है इसके अंदर फायदा, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि ये बिल्कुल सेफ और सरल है। अब मैं इसे चालू करके दिखाऊं मैं आपको, अगर मैं इसमें है ना, इसमें अगर मैं थोड़ा सा ठंडा पानी ला के डालूंगा ना तो ये चालू हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये मैंने पानी लिया है और इधर देखिए अभी भी जीरो है, मतलब कि अभी चालू नहीं हुआ। और मैं ये पानी देखिए इसमें डालता हूँ और देखना वहाँ पे चालू होता है क्या। नहीं हुआ, हो गया। देखिए हो गया ना, जैसे ही मैंने इसमें पानी डाला ठंडा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चालू भी हो गया। तो ये है जुगाड़ वाले गीजर का फायदा कि आप इसे बंद करना भूल जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक पानी गर्म होने के बाद में बंद हो जाएगा, आपको कोई चिंता नहीं करने की जरूरत। पानी गर्म हो गया, ऑटोमेटिक बंद हो रहा है, आपकी बिजली की बचत भी हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही मेरी मेहनत का फल है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और एक ही बार करना है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।